दोस्तों, अगर आप सच में एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं, इफ यू रियली वांट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर, आपको आज के इस वीडियो को देखना ही होगा, क्योंकि आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को टच करने जा रहे हैं जो कि कहलाते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस, ये कॉन्ट्रैक्शंस वो होते हैं जो आपने कई अच्छे स्पीकर्स को बोलते सुना होगा, जैसे आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट गो, Going to, gonna, gotcha, you know, ऐसे कई सारे। आज मैं आपको 75 contractions बताने जा रहा हूं दोस्तों, और वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर। I just request all of you, आज के इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्त, and I'm pretty much sure आप बहुत enjoy करेंगे, और ये आपकी English को, आपकी fluency को एक अलग level पर ले जाएगा दोस्तों। Just stay tuned. Hi guys, my name is Ankit Bohre. You're watching me here on this video. I'm from Velocity, the English Factory. Guys, आज हम सभी contractions जानने जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। चलिए तो शुरू करते हैं इन contractions को। I am को हम बोलेंगे am, you are को your, he is को his, she is को she's, they are their, we are we're, that is That's, there is, theirs, what is, what's, where is, where's, who is, whose, is not, isn't, and not, ain't, are not, aren't, was not, wasn't, were not, weren't. दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ formal होते हैं contractions, कुछ इनफॉर्मल होते हैं, कैजुअल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ये सभी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस हैं। इसके बाद इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़े इनफॉर्मल कैजुअल कॉन्ट्रैक्शंस को, देखते रहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एनीवे, हम जारी रखते से डज नॉट गो डजंट बोलेंगे, डू नॉट गो डोंट, नीड नॉट गो नीडंट, डिड नॉट गो डिडंट। बहुत लोग इसे didn't बोलते हैं, बट कोशिश करिए इसे didn't बोलने की। didn't, cannot go, can't, could not go, couldn't। बहुत लोग इसे भी couldn't बोलते हैं। alright, couldn't, couldn't, will not go, won't। देखिए, won't and want अलग अलग चीज है दोस्तों, pronunciation पर ध्यान देंगे। will not को बोलेंगे won't, और want, W-A-N-T, want, जिसका मतलब होता है चाहिए। I want money, I want car, I want a good job, something like that. Anyway, would not को बोलेंगे won't, alright, won't, has not को hasn't, have not को haven't, had not को hadn't, might not को mightn't, must not को mustn't, should not को shouldn't, I will go, I'll, we will go, we'll, he will go, he'll, she will go, she'll, it will go, it'll, they will go, they'll, they'll, I would go, I'd, you would के लिए you'd, he would, he'd, she would, she'd, they would, they'd, we would, we'd, I have, I've, he has, he's, she has, she's, it has, it is, you have, they have, we have, who have, there has, theirs, that has, that's, what has, what's, who has, whose, I had, I'd, you had, you, he had, he'd, she had, she'd, they had, they'd, who had, who'd, we had, we'd। दोस्तों, ये थे कुछ हमारे फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस। अब हम जाने जा रहे हैं कुछ इनफॉर्मल
कैजुअल कॉन्ट्रैक्शंस को, यू नो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्हें आपने डेफिनेटली सुना होगा कई सारी मूवीज में, कई सारे प्रेजेंटेशन में, जब लोग बात करते हैं बहुत ही फ्लुएंटली बोलते हैं, डेफिनेटली इनका यूज करते हैं। देखें कैसे दोस्तों, वॉन्ट टू को हम बोलेंगे वाना, वॉट आर यू, वॉचा, वॉट आर यू को क्या बोलेंगे, वॉचा, जैसे वॉट आर यू डूइंग, वॉच आर डूइंग मैन, यू नो, काइंड ऑफ, काइंड ऑफ, डोंट नो, डू नो, आई डोंट नो दैट, ऑलराइट, लेट मी डांस, लेट मी गो, ऑलराइट, लेट अस, लेट्स, गिव मी, गिमी, गिवमी को क्या बोलेंगे दोस्तों, गिमी, गिमी, गिमी अ प्लान, गिमी 100 bucks, gimme that, gimme this, something like that. Anyway, tell him, isn't it, in it, I'm gonna go to Mumbai, all right, need a, gotta, and got it, gotcha, did you get my point, gotcha, all right guys, तो ये थे हमारे कुछ खास कंट्रैक्शंस और इनकी मदद से आप अपनी लैंग्वेज को बनाएंगे बहुत ही फ्लुएंट और बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अट्रैक्टिव। गाइस, कुछ खास टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। इन कंट्रैक्शन का यूज दोस्तों ज्यादातर इनफॉर्मली किया जाता है, जब भी आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, मैसेजिंग कर रहे हो, इनफॉर्मल राइटिंग कर रहे हो, ध्यान रखिए इन कॉन्ट्रैक्शंस का भरपूर यूज करिए, बिंदास यूज करिए। ये कॉन्ट्रैक्शंस आपकी लैंग्वेज को शार्प करेंगे, आपको फ्लुएंट बनाएंगे और बहुत ही अट्रैक्टिव बनाएंगे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दोस्तों। मुलाकात करेंगे हम अपने अगले वीडियो में कुछ खास ऐसी इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। बिंदास इंग्लिश बोलते रहिए, खुश होकर इंग्लिश बोलते रहिए दोस्तों। दिस इज ऑल फ्रॉम माई पार्ट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल टाइम।